इसके अलावा हमें ये बताना कि क्या वकार अलिश्बा से चिढ़ता है या अलिश्बा उससे चिढ़ती है। कल मेरी छोटी मोटी अम्मी से बहस हुई थी और इस पर जो है ना मैं कह रहा था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, घर नहीं आऊँगा हमेशा की तरह। और आज तो भाई यार नमाज पढ़ने के लिए उठे तो मुझे पंखा थोड़ा सा बंद करना पड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड लग रही थी। चल झूठा। तो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मौसम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं, परिंदे अपने सफ़र को निकल चुके हैं बाजरा के लिए, कोई अपने खाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको मौसम कैसा रहा है। तो जी जिनके पास भी छत की फैसिलिटी है या इस तरह की सैशें हैं तो उनको चाहिए सुबह सुबह उठें और छत पर देखें अच्छी जानी। तो आए छत पे थोड़ी सी हवा खाएं और इस तरह के मौसम का आप इंजॉय कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? विद अ कप ऑफ टी यानी चाय के साथ। तो अभी नीचे नाश्ता बन रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। अब्बू और लिश्वा दोनों सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। आज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो ये सुबह सुबह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ ली हमने और अभी जो है ना गैस देखे, ये वजह है सिर्फ सुबह उठने की। और ये दो घंटे के लिए आते तो अभी जो है ना लिश्वा और अब्बू मिल के नाश्ता बना रहे हैं। और साथ में क्या बना रहे हैं लिश्वा? चावल। चावल बन रहे हैं? अच्छा भाई, तो भाई चिकन मिसिंग है चावल में। अच्छा अब हेल्प करें यहाँ पर सब्जी काटने में, बाकी ये फिर जल्दी हो पाएगी गैस पर चल जाता है ना, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी दोनों हेल्प करें एक दूसरे की। तो ये जी भाई हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, बॉयल एग्स और उसके साथ साथ पराठे और दोपहर की रोटियाँ इसी बना लेते ताकि हमें दोपहर में ईजी रहे। और साथ में वो हेल्प कर रहे हैं सब्जी काटने में तब तक। और यहाँ पर देखो आलू जो हमारे बिल्कुल रेडी और मसाला भी रेडी हो चुका है, तो बस अभी ना इनमें ये वाला पानी डाल देते हैं। आज माशाल्लाह गैस बहुत अच्छा आ रहा है तो आज हमारे चावल काफ़ी जल्दी बन जाएंगे। अभी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अभी हम इसमें ना अपने चावल भी डालेंगे। और इसमें ना अभी हमने चार गिलास पानी के भी डाल दिए हैं और जब तक ये बॉईल होता है तो इस पर ना ऐसे ठहरने दे रहे हैं इसको, जब ये बिल्कुल बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम चावल भी ऐड कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और वेलकम बैक टू अलिश्वा मेरे ब्लॉग। तो जी आज की सुबह का आगाज़ थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि आज हमारे घर में नेट ख़त्म हो गया था, तो अभी लोग जो आज का व्लॉग था वो हम जो कल का व्लॉग था वो हमने थोड़ा सा लेट डाला था, इसलिए व्लॉग की शुरुआत ना आज लेट कर रहे हैं। तो आज मैं छत पर आई हूँ, माशाल्लाह काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपको जैसे मैं रोज़ बताती हूँ बारिश रोज़ बनी थी पर आती है नहीं। अभी भी यहाँ पर देखे बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, हर रोज़ की तरह हमें मायूस करके चले जाते हैं। माशाल्लाह हवा तो काफ़ी चल रही है और यहाँ पर देखे पता नहीं किसका गुड्डा लटका हुआ है रेड कलर का, बहुत क्यूट है। लेकिन आज ऊपर देखें कितना अच्छा मौसम बना हुआ है, माशाल्लाह खुला माहौल है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज अम्मी भी घर पे है तो वो अभी फ्रेश हो रही हैं, जब वो फ्रेश हो जाएंगी तो फिर उनसे उनके साथ भी थोड़ा सा व्लॉग शूट करेंगे, कुछ फंक्शंस के बारे में उनसे भी पूछेंगे। और एक बात मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर देखें आज पूरी छत की सफाई की है, यहाँ पर देखिए कितना बिल्कुल साफ़ हो गया ऊपर का फर्श और हमने सीढ़ियों की भी सफाई की, यहाँ पर देखिए नीट एंड क्लीन हो गई है। क्योंकि अभी लोग शूट करते हैं ना तो फिर उसमें गंदगी आए ना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी हर चीज़ साफ़ ही रखनी चाहिए चाहे व्लॉग हो या ना हो, हर चीज़ साफ़ ही रखनी चाहिए क्योंकि सफाई नस्फ ईमान है। चले अभी नीचे चलते हैं, अम्मी को देखते हैं अभी फ्रेश हुई है कि नहीं हुई, आज उनको कहीं जाना भी था तो इससे पहले वो चले जाएँ तो हम उनके साथ थोड़ा सा लोग शूट कर लेते हैं। अभी रूम में चलते हैं और एक चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि नहीं दिखाई, यहाँ पर देखे आज ना बेडशीट फिर से चेंज हुई है। तो अभी ना मैं लाइट कलर की बेडशीट बिछाती हूँ क्योंकि जो वाइट या डार्क कलर की होती है ना तो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वाइट कलर की तो वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए ना आज ये बिल्कुल मतलब फर्श के साथ का जो ये कलर है ना बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? ये आज हमने बिछा दिए और अभी अम्मी फ्रेश हो रही है, अभी तक वो नहीं आई तो फिर बाद में उनके साथ उनका मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। चले
अभी कोई घर नहीं है तो यहाँ पर देखे कोल्ड ड्रिंक पी के यहीं पे रख दी मैंने, सॉरी किसी और ने नहीं मेरी है। और अभी जो है मैंने अम्मी की और एक अपनी नानी की जो मेरे घर कभी कभी आती हैं और वो कैमरे में ज़्यादा नहीं आती, तो एक उनके लिए और एक अम्मी के लिए मैंने भी चाय रेडी की और साथ में ना थोड़ी सी ये बिस्किट भी रख दिए ताकि वो खा लें चाय के साथ, उन्हें अच्छे लगते हैं। चल झूठा। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको चाय देने के लिए। तो जी अभी हम फ्री हुए थे ऑफिस से और वापसी पे लेट नाइट, लेकिन सब कुछ बंद हो गया है। मुर्गी चिकन लेनी थी, चिकन वाले सारे बंद हो चुके हैं क्योंकि जाहिर सी बात मैं बहुत लेट फ्री हुआ हूँ। और अभी यहाँ से आलू लिए, कल आलू बनाएंगे और उसके बाद हम चिकन बनाएंगे चला, अंडे भी ले लिए घर के लिए। अभी चलते हैं घर पे और कुछ लेके जाएंगे क्योंकि घर पे अब सो रहे हैं और मैंने कुछ खाया नहीं है और पता नहीं क्या बनाया घर पे, शायद सो ही रहेंगे, कुछ बना ही नहीं होगा, देख लेते रास्ते से कुछ ले लेते हैं अपने लिए। तो जी यहाँ से हम अभी अपना कुछ पार्सल ले रहे हैं, बाइक ऑर्डर दे दी हमने और ये लेट नाइट खुला होता है तकरीबन मेरे ख्याल 2 बजे तक खुला होता है। तो अभी यहाँ से हम कुछ लेते हैं और घर चलते हैं क्योंकि घर वाले सो गए होंगे, मैं लेट फ्री हुआ रात हो गई काफ़ी और आज थोड़ी मेरी घर वालों से नाराज़गी भी चल रही थी, बताते थोड़ी देर में किस बात पर चल रही थी। अरे मैं असल में कल जो गया था ऑफिस उसके बाद वापसी पे मैं काफ़ी कॉले आरची में गया, मतलब भाई तुम आ गए वापस बोलते आ गया और उससे मैंने मुलाकात की, मैं काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मतलब 7 से 8 दिन तो एक जगह स्टे करना और वहीं से घूमना आप, और वहाँ पर एक होटल वाला जो उनका दोस्त था वो उनके कल जो ना चेंजिंग हुई कुछ, तो इस वजह से उनका वो होटल नहीं आप बराबर में एक होटल है वहाँ हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह। सारी डिटेल्स लेकर आया रहा हूँ मैं ऐसे ना, सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, एक छोटी सी इंसान को होती है अगले महीने जा रहे हैं तो चीज़ें निकालते हम तेरे बाप को मत चल। और मेरी ऑलरेडी ऑफिस में बात हो चुकी है तो परेशान नहीं होना कि ऑफिस करता नहीं करता, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप पहले क्लियर कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में ताकि आने वाले कल जो भी लोग आए और उल्टे सीधे कमेंट करें तो आप जवाब दे सकें भाई नहीं उसने ऑफिस में से लीव ली है। तो खैर मजाक करते, इसके अलावा भाई देखो हम दो भाई हैं घर में, हम दो ही अम्मी अब्बू के बच्चे हैं, हमारे आवाज़ में जेलेसी नहीं होती, कोई जेलेसी नहीं है, वकार से मेरा छोटा भाई है, अल्लाह पाक उसको और कामयाब करे, लोग कह रहे थे भाई। इसके अलावा हमें ये बताना कि क्या वकार अलिशबा से चिढ़ता है या अलिशबा उससे चिढ़ती है, अरे कहना क्या चाहते हो, या हम दोनों किसी से चिढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई किसी से नहीं चिढ़ता भाई, आप बताओ ना यार, आप बताओ ये चीज़ें आप बताओ क्लियर करो। नहीं उनको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब मुझे वकार भाई से ना मसला होने लगा और उन्हें भी मसला हो गया। फिर आप बताएं भाई देखे हंसी मजाक चलता है हमारा, चिड़खानियाँ चलती है और घर में सभी को छेड़ता है, इवन कि मैं अपनी मम्मी को भी छेड़ता रहता हूँ अक्सर, कितना छेड़ता हूँ मम्मी को बताओ, मैंने बस तो छेड़ती हूँ मम्मी जो ना जूता तक डालती है मेरे ऊपर, इतना छेड़ता हूँ मम्मी को। खैर और अभी जो है ना कल मेरी छोटी मोटी मम्मी से बहस हुई थी और इस पे जो है ना मैं कह रहा था कि भाई मैं नहीं आऊँगा घर नहीं आऊँगा, चल झूठा अलीफा बोलती हाँ घर नहीं आओगे, मैंने नहीं अभी घर नहीं आऊँगा अलीफा ने बोला, ये कोई नई चीज़ आ गया, झगड़ा हो गया बहुत बड़ा। तो फिर शाम को वापस आया था अंडे और बोले के ना ऑफिस से जैसे फ्री हुआ ना अंडे और बोले कह रहा है क्यों बोला आपने घर नहीं आओगे, तो खैर ये हमारे ऐसे छेड़खानी चलती, कभी कभी बकार अम्मी को फ़ोन करते हैं अम्मी मैं यहीं से डायरेक्ट इस्लामाबाद जाऊँगा, तो पहले परेशान होती थी भाई अचानक से, उसके बाद समझ आया कि वकार ऐसी हर किसी को बोलता है, अभी हमें भी चलते चलते बोलते कल ना मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, मैं जूते तैयार रखना कपड़े तैयार करना ऐसे वो बोलता रहता है, हम लोग के घर में ऐसी बात चलती रहती है। तो भाई हंसी मजाक में ये ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और हेल्थी गुजरती है, मतलब हंसी मजाक आपस में करना उड़ाना नहीं। इसके अलावा नए आने वालों को वेलकम कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।